हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुपा स्टडी फैक्ट्स। आज मैं बात करूंगी कि वर्क 3 की जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म की, वो कल से शुरू हो रही है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हमारा पहले से वर्क 3 क्लियर है तो क्या हमें इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से कोई एग्ज़ाम नहीं आया है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो हमें अपना एक एंथुसियाज्म बनाए रखने के लिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, ताकि हमारी पढ़ाई होती रहे, तो हमें ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। उस पर मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि अगर आपका पहले से वर्क 3 क्लियर है और वर्क 2 का प्री क्लियर है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को एज अ पढ़ाई की और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में देखना चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई हो, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि अपनी वर्क 2 की पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए। आई नो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आता है या कोई डेट नहीं आती है तो पढ़ाई में मन लगना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स ऑब्वियस थिंग, बट ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है किसी भी चीज़ का, या हल नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तो चलो हम वर्क 3 का फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि ये एक केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी वर्क 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर मन नहीं लग रहा है तो ऐसा सोच लीजिए, देखो सोचने में कुछ नहीं है, हमारा मन इतने दिन से हमें बुद्धू बना रहा था, चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं, चलो रील देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, या कुछ भी, वॉट एवर जो भी आपने अभी तक किया है। तो अब आप अपने मन को बुद्धू बनाओ कि 10 नवंबर को वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम है, तो 40 दिनों में वर्ग 2 की अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बात हो गई जो लोग वर्ग 2 और वर्ग 3 में कन्फ्यूज हैं, और जिनका वर्ग 3 पहले हो चुका है क्लियर और वर्ग 2 भी जो प्री था वो क्लियर हो गया। तो आप वर्ग 2 के मेंस की तैयारी शुरू करो। देखो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, और जैसा मैंने आपको बनाया एक बार आप कोशिश करके देखो, अपने माइंड को समझाओ कि आज जो 10 नवंबर जो डेट है ना, वो वर्क 2 की आ गई है, तो अब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और देखो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला कि किस तरीके से वैकेंसीज आ गई, एग्ज़ाम डेट तक उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि 10 नवंबर को एग्ज़ाम है, ऐसे ही न जाने कब वर्क 2 की वैकेंसीज आ जाएंगी। तो अपने अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए थी जो वर्क 2 और वर्क 3 में कंफ्यूज हो रहे हैं, और कमेंट भी आया था ये, तो मैंने सोचा कि ये एक छोटी सी वीडियो के फॉर्म में मैं आप लोगों को हेल्प कर दूं, बता दूं कि आप लोगों को ये करना चाहिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप लोगों का एक एंथुसियाज्म बना रहे, कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बनी रहे, उसके लिए बहुत सी वीडियोज़ मैंने चैनल पर पहले डाल रखी है। और ख़ुद को मोटिवेट रखने के लिए केवल मोटिवेशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल कोट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा खुद में भी परिवर्तन लाओ, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाओ। जो भी आप कर रहे हो उसमें सोचो कि अच्छा ये चीज़ें अच्छी हैं नहीं है, क्या बेहतर है, क्या बेहतरीन की तरफ हमें ले जाएगा, तो आप ज़रूर अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।